एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर जो है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट, दोनों सिचुएशन के लिए मैं बना रही हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा ध्यान करो, या तो उनका नाम मनीमन दोहराओ। इनके पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। बहुत ज़्यादा निकाल लिए मैंने, चलो कोई नहीं, देखी जाएगी यार। शायद डीप रीडिंग एक्सपेक्टेड थी। हर चीज़ में कुछ छुपा होता है, पता है मेरे साथ ऐसा होता है। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, शेयर करती हूँ, मे भी हो सकता है आपके साथ भी हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मैं कुछ देख रही होती हूँ ना, मानो मैंने एकदम से टीवी चालू कर दी और या मैंने यूट्यूब ऑन कर दिया और मेरे सामने ना अचानक कोई चीज़ आ गई, कोई अचानक से पर्टिकुलर वीडियो आ गई, तो मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है नहीं इसका कोई रीज़न है, मेरे को ये किसी रीज़न से दिखाया गया है ये वीडियो। मतलब मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, टैरो रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ। कभी कोई सॉन्ग अचानक से खुद ही चलने लगता है ना, क्योंकि मैं भजन चलाती हूँ, मेरे को आदत है मॉर्निंग में भजन सुनने की या भगवद गीता सुनने की, तो कभी कभी ना अचानक से सॉन्ग्स खुद चेंज हो जाते हैं। भगवद गीता चलते चलते अचानक से कुछ और ही वीडियो चालू हो जाती है। अब मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर पर ऑन करके छोड़ देती हूँ, अपनी पूजा पाठ कर रही होती हूँ, अपने काम कर रही होती हूँ, अचानक से चीज़ें खुद ही डिफरेंट चलने लगती है। तो मुझे पता है क्या लगता है कि भाई कुछ इसका पक्का कुछ कंसर्न है, पक्का मतलब इससे कुछ कनेक्शन है। और अक्सर जब भी मैंने ये फील किया है ना, कसम से वो चीज़ें वाकई वैसी रही हैं। मतलब आई डोंट नो मैं कितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको, लेकिन ये सच्चाई है यार। आपके साथ ऐसा होता है कई बार ऐसी चीज़ें हो? मैं एंजल नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ यार। एंजल नंबर्स आजकल ना, मैंने देखो इसके बारे में बताया है, आजकल तो बहुत लोगों को एंजल नंबर दिखते हैं। इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन। आप अपने बाजू में किसी भाई को पूछ लो, बहन को पूछ लो, सबको पूछ लो, सब आपको बताएंगे बहुत एंजल नंबर दिखते हैं यार, बहुत एंजल नंबर दिखते हैं। तो अब ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है एंजल नंबर दिखना, ठीक है। भले रिपीटेशन में 29 दिख रहा है, 79 दिख रहा है, 39 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, कुछ भी नंबर दिख रहा हो, पर ये रिपीटेशन में नंबर दिखने का मतलब एक्चुअली लॉजिक सबको है। मेरा रीज़न क्या है ना, एंजल आपसे अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, नंबर के लैंग्वेज में वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मेरे को हुआ ना, मैं इन फ्यूचर या देखती हूँ कुछ दिनों में अगर हुआ तो मैं पोस्ट डाल दूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एंजल नंबर्स का भी कोर्स वगैरह अनाउंस कर लूँ, क्योंकि एंजल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स हैं। हम कैसे इसे टैली करते हैं, हम कैसे एंजल नंबर्स, हमसे आखिर एंजल्स क्या बात करते हैं, इसके बारे में पक्का मैं आपको जो है ट्राई करूंगी कि कोर्स लॉन्च कर दूँ। बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट नहीं, नॉर्मल कोई कोर्स लॉन्च कर देंगे, ठीक है, ताकि वो सीख सके सब लोग कि आखिर सबको आपको पता चल सके कि इनफैक्ट एंजल आपसे बात क्या करना चाहते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग सके, ठीक है। सो चलो बात करते हैं टॉपिक पे। मैं आपको ये अपने बारे में इसलिए कुछ बता रही थी ताकि मैं चाह रही थी कि आप भी शायद कुछ चीज़ें देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, ताकि आपको भी पता चलता होगा कि यार ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब कनेक्शन है, ये डॉटेड है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जैसे लिंक करती हैं, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी में ना मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति में और प्रैक्टिकल बहुत हैं, सोसाइटी कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सीधा चलने वाली पर्सनालिटी होती है, जिसकी पीठ बड़ी बुलंद टाइप की पर्सनालिटी, बहुत अच्छी खासी पर्सनालिटी। अगर ये लड़की भी है ना, तो इसमें वो पोटेंशियल या वो ऑरा है जो बहुत ही एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, जिस होता है ना कि अरे इसके नखरे ओहो दिल छीन लेगी, ओहो ये पागल कर देगी, ओहो ये दिमाग ख़राब कर देगा, पर्सनालिटी चाल चलन या चलना उठना ऐसा हो कि इंसान का दिल जीत ले, भाई वो वाली पर्सनालिटी। और कम्युनिकेशन गजब की है इनकी, काफ़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन है, देखने में और उठने में और बोलने में भाई इनका कोई टोड़ नहीं। आप इनके सामने कई कई बार बोलते हैं ना, अपना दिल हार जाते हैं, चाहे कितनी झगड़े क्यों ना हो जाए, चाहे कितना गुस्सा क्यों ना आए इस इंसान पे, जैसे ही ये व्यक्ति आते हैं ना, आप बस ऐसे कि आप जैसे एक जगह रुक जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सॉरी किसको बोलना था, इसको बोलना था या मुझे बोलना था, याद नहीं आ रहा है, तो चलो यार जाने दो, मिट्टी डालो सॉरी को, भूल जाते हैं फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि इनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कम दिखते हो, आप भी बहुत अच्छे दिखते हो, बट होता ना कि किसी के सामने दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ी से रुक जाएँ, वो टाइप की पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर। दिखते बहुत अच्छे हैं या बोलते बहुत अच्छे हैं, इनकी
बिहेवियर और पैटर्न में एटीट्यूड और जैसे राजा या रानी जैसी पर्सनालिटी है, रानी और राजा कैसे अपने आप पे गुमान करते नजर आते हैं, आई लव माई सेल्फ वाला एटीट्यूड, वो एटीट्यूड है इनमें। इनकी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, ये लिब्रा राशि के हो सकते हैं, लियो राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीस हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ साइंस है, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हो सकती है, यस। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा समय से, अभी करंट एनर्जी में अगर मैं बात करूँ, ये करंट एनर्जी है राइट, मन में क्या चल रहा है, ये आपके पास कनेक्ट होने के बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपको लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपको लेकर इनके मन में कोई पर्टिकुलर एक डिसीजन की प्लानिंग चल रही है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मुझे वो स्टेप लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कोई प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई दे रही है, ये कोई प्लान बना रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत स्ट्रांगली कोई प्लान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी मिली है जिसको लेकर मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो गई थी, ये व्यक्ति किसी से डिस्कनेक्ट होकर आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, ये व्यक्ति किसी से बातचीत बंद कर रहे हैं, किसी से बोलचाल बंद कर रहे हैं और उसके बाद आपसे बोलचाल शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति किसी से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, और ये व्यक्ति जिससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो व्यक्ति बहुत कोई इम्पॉर्टेंट इंसान है इनके लिए, इनके घर का सदस्य हो सकता है कोई, या इनका कोई इम्पॉर्टेंट फ्रेंड हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, और उन पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इन पर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी साबित होगी, लाइक इस तरीके की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर सोच विचार तो डेफिनेटली कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनके जीवन में ना फाइनेंशियल फॉल तो हुआ ही है, फाइनेंशियल फॉल तो है, या तो फाइनेंशियली कर्जा ज़्यादा ले लिया है, किसी तरीके का डेप्थ हो सकता है, या रोना बहुत है, मतलब सॉरी टू से दिस, आप लोग को थोड़ा बुरा लग जाएगा लेकिन बेबी क्राइंग बहुत है इनकी ज़िंदगी में, बेबी क्राइंग वो होती है जो क्राइंग मतलब वो जो रोना रोना रोना, इसकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं, एक बात मैं खुलकर बताती हूँ, इससे ना आप थोड़े से इरिटेट होने वाले हो और टेंशन आने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं वो तो फॉर श्योर है, आपके यूनियन होने के चांसेस हैं इस इंसान के साथ, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे परेशान होने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इनका रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये इंसान रोए जा रहा है, इसका रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा है, लड़की है लड़का है, आप इस बात से परेशान हो रहे हैं कि ओ गॉड का फंसा दिया, क्योंकि आपको चाहिए इनके साथ ब्यूटिफुल मोमेंट्स, हंसी मजाक वाले, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपके सामने आते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, रोना मतलब एज इन नॉट लिटरली क्राइंग, एज इन लाइक सब बुरा बता रहे हैं कि ये इसका ऐसा हो गया उसका ऐसा, तो आपको लग रहा है कि अरे हमारे बारे में थोड़ा बात कर ले भाई, थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं भाई, लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस लाते हैं, बट ये पुरानी प्रॉब्लम्स, ये हो गया वो हो गया, ये इसने ये किया, इसने चोटी काटी, मतलब ये इंसान आपको ज्ञान देते थे कि अरे तुम कितने मेच्योर हो, सारा टाइम तुम्हारे पास तुम शिकायतों का पिटारा ही ख़त्म नहीं होता, तुम्हें हमेशा शिकायतें ही करनी है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास पूरे डिस्कशन लेकर आ रहे हैं कि बता ये हो गया मेरी ज़िंदगी में, वो गया, मतलब अगर जो मैं देख पा रही हूँ, देखो यार मेरे टचवुड यार भगवान की कृपा है, विजन्स बड़े स्ट्रांग हैं मेरे, तो जो मैं देख पा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बात करने वाले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम इनका इनके दिल में ना बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत बात कर रहे हैं, और आप एक जगह जाके आप एक जगह रह के चुप होकर सुन रहे हैं और बैठे बैठे ना आपको नींद आना शुरू हो गई, अरे यार मतलब लिटरली आपको ऐसा लग रहा है ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, ओह अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको पहली बार ऐसा लग रहा है कि यार ये जाए थोड़ा सा मैं आराम करूँ, मुझे नींद नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे अभी थोड़ा सोने की ज़रूरत है, ये तो मेरे सर में दर्द कर रहा है, मतलब लिटरली आपको एग्जॉशन फील हो रहा है, अब आपको लग रहा है क्योंकि आपका कैसा है ना, आपने खुद से प्यार करना सीख ली, आपके पास टाइम नहीं है रोने धोने वाली नेगेटिव एनर्जीज़ के लिए, इससे आप परेशानी होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, आपने रो धो के जितना वक्त है अपनी ज़िंदगी में बिता दिया, अब आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्यों रोने आ गया यार, या ये क्यों रो रही है यार, इसका अभी दुनिया का ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, क्योंकि अपना ही बोलते जा रहे हो, आप क्योंकि चुप रहने वाले हो, आपकी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली है कि ये आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, या तो आप चुप ही रहने वाले हो, लगभग आपको कुछ सवाल ही नहीं करना पड़ेगा, आपको लगेगा यार ऐसे ही बहुत बोलता चला जा रहा है या बहुत बोलती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, ये व्यक्ति आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ, अभी तो बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है, नहीं दीदी चलेगा हम सुन लेंगे,
बेटा जी तुम सुनो मैं चैलेंज करती हूँ, तुम थोड़े टाइम पे अंदर तुम ऐसे हो जाओगे, अरे दीदी अब बहुत इरिटेशन आ रहा है इनसे, इनको अभी हम लोगों को ये यूनियन ही नहीं चाहिए, ये नो कॉन्टेक्ट ही अच्छी थी, कहीं ना कहीं अंदर से ही लिखा है, क्योंकि एक इंसान का आप एक दिन रोना बर्दाश्त कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 2 हफ्ते, 4 महीने, 6 हफ्ते, 6 महीने, 7 महीने आप इरिटेड हो जाओगे, आप बोलोगे अरे यार मैं कहाँ फंस गया, बट जस्ट बिकॉज आपने अपना सेल्फ लव कर लिया तो आप बहुत पोलाइटली और बहुत हम्बल रहकर ओके ऐसा हो गया, फिर तुमको ऐसा नहीं हुआ ऐसा, मतलब आप जो बड़े चाणक्य हो रहे हो, आप तो अपनी तरफ से ही अपना ही खेल खेल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही मजे में हो जहां तक मैं देख पाऊं एक सच तो है यार, अब मानो ना मानो इनकी तकलीफ में ना आपको बड़े मजे आ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है, अब ये देखो हर कोई नहीं मानेगा, लेकिन इनकी तकलीफ में आपको बड़े मजे आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने जब आपको ठुकराया तो ये बड़े चौड़ में लड़का या लड़की जो भी थे, ये चौड़ में थी या चौड़ में थे, और आपको बड़ा रिजेक्ट कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के कारण, आपको घुमाए जा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको एंजाइटी हुई, पैनिक अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, और इस व्यक्ति ने मोल नहीं किया, तो अब जब इस व्यक्ति की थोड़ी सी गिरावट हो रही है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है अरे यार चलो अच्छा ही है, मतलब वैसे ही इसको थोड़ा सा घमंड आ गया था, अब थोड़ा सा घमंड और चर्बी कम होगी, इस तरीके की एनर्जी आपकी तरफ से है। आपके पार्टनर किसी तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं और फैमिली प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इस व्यक्ति को अब आप बहुत स्ट्रांगली चाहिए, बहुत स्ट्रांगली, अब ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपको लेकर इनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, जहाँ पे ये आपको अपने आसपास ही देखना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं, ये व्यक्ति इस समय उस पोजीशन पे आ रहे हैं जहाँ पर आप इनको बोलोगे ना कि जाके इसको मार दे, तो वो उसको मारने पे भी टाइम नहीं लगाएंगे, इस तरीके का इनका दिमाग खराब हो चुका है। इस समय इनकी अगर इच्छा है तो सिर्फ आप हो, ये आपको डेस्परेटली पाना चाहते हैं, डेस्परेटली आपके साथ रहना चाहते हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको फोकस करना चाहते हैं और आसपास की सभी नेगेटिव चीज़ों को टाटा बाय बाय सायोनारा करना चाहते हैं, ये अपने आसपास ज़रा सी भी नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये थक गए हैं, पक गए हैं, इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ आप इनको हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे हो, इनको लग रहा है आपकी तो ज़िंदगी मजे से हो गई है, आप तो बेटर पोजिशन जा रहे हो, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप तो हंस रहे हो, गा रहे हो, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे हो, आपके जीवन में तो आप कहीं रुके ही नहीं हो, जो भी रुका है वो ये भाई सामने वाला ही रुक गया, ये आप ही खुद मतलब आपके पार्टनर ही रुक गए हैं, उनके आगे ग्रोथ ही नहीं हो रही, उन्हें लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो गई, आपको लोग जो है बहुत ज़्यादा आपके काम में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है बेटर हो रही है, बट आपके पार्टनर की लाइफ तो बाप रे बाप, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके मन में चल रहा है कि यार ये इंसान बहुत बेस्ट है, ये आपकी वैल्यू समझे हैं, अभी ये आपकी कदर समझे हैं, ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इनको अभी समझ में आया है, ये व्यक्ति आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपके और इनके बीच में सब कुछ बदलना चाहते हैं, इस वक्त इस रिलेशनशिप की मेंटेनेंस में ये आना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप के लिए ये मेंटेनेंस करें, इस रिलेशनशिप को ये बेहतर करें, आप दोनों के गिले शिकवे ख़त्म करें और अब सिर्फ ब्यूटीफुल इस रिलेशनशिप में सब कुछ ब्यूटीफुल देखने को मिले, इस रिश्ते के लिए अब ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए अब इनके अंदर इनके मन में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा इनके लिए लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है ये इमोशनली अब इस रिलेशनशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, पहले ये बहुत प्रैक्टिकल थे बट अब इस रिश्ते से ये इमोशनल कनेक्शन में आ रहे हैं, ये इमोशनली आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं और इनको हर वो चीज़ याद आ रही है जिसमें आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, यानी कि आप इनको प्यार कर रहे थे, आप इनकी केयर कर रहे थे, आप इनके लिए कितना सीरियसली इनके बारे में सोच रहे थे, इवन कुछ खाते थे तब इनके बारे में सोचते, कहीं घूमने जाते तो इनके बारे में सोचते, इनको अचानक याद आ रहा है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ इनके मतलब इनकी केयर, इनकी परवाह, इनके लिए लव दिखाया, इनके लिए बहुत कुछ आपने खर्चे तक कर डाले और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि उन्होंने वो सब चीज़ें खो दी, अब ये आपको वापस वैसा देखना चाहते हैं, ये वापस आपके ऊपर पावर करना चाहते हैं, ये आपके उसी इमोशनल कनेक्शन को अब मिस कर रहे हैं। जहां मैं बात करूं आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रैक्टिकलिज्म जो है अब कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, आप अब दिमाग से काम लेने वाले और ये अब दिल से काम लेने वाले हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे और आप उनको लेकर ऐसे हो जाएंगे कि अरे यार तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, जब देखो रोते रहते हो, थोड़ा सा नॉर्मल रहो, लाइफ है यार जियो, थोड़ा से जीने के ही 4 दिन बाकी है, बेकार दिन, मतलब एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए वाली सिचुएशन आपकी है, आपको ऐसा लग रहा है यार जवानी ख़राब कर दोगे सारी, तुम जो बची कुछ ज़िंदगी है वो भी तुम्हारी बिगाड़, तुम तो बिगाड़ देने वाले हो वो लग रहा है,
और आपके पार्टनर तन्हाई तन्हाई, सच कह रहा है, दिल दीवाना, सारे सैड वाले सॉन्ग सुन लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, इस इंसान को, मतलब वो सही शब्दों में कहूँ ना, इस मनहूस को यार मेरी ज़िंदगी से कोई निकाल दो, पागल कर देगा ये आदमी या ये पागल कर देगी औरत, इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर है। मानोगे नहीं आज, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि इनको रोते धोते आप देखोगे और आप इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा यार हंसने के पल तो चार ही देते हैं ये जब देखो इनकी तकलीफ़ों में मेरे पास आ जाते हैं, जो हंसने वाला टाइम होता है, घूमने वाला टाइम होता है, तब वहाँ पर दूसरी जगह चला के नैन मटका कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अब जब मेरे साथ खुश रहने का टाइम आया तब यहाँ पर सिर्फ अपना रोना लेकर बैठ गए, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, तो आपको इरिटेशन आ रहा है, आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है इस चक्कर में, कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, यस सडनली आपको अप्रोच करने वाले हैं, बट दिस टाइम ये अप्रोच बहुत सीरियस होगा, क्योंकि इस अप्रोच के बाद चांसेस बहुत हाई हैं कि इस व्यक्ति से आपके मैरिज या कमिटमेंट का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये चांसेस है कि आप अपने डेस्टिनेशन को कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे, जो गोल आपने प्लान किया था या जो आपने मन से चाहा था कि ये मुझे मिल जाए, फाइनली वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, आपकी मन की इच्छा पूरी हो रही है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और ब्रेसलेट के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ही इज़ दी बेस्ट एनालिसिस, बहुत सही करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको व्हाट्सअप की डीपी पे ही सारे रेट्स और डिटेल्स मिल जाते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप टीम से बाकी डिटेल्स मांग सकते हैं और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। यस, अगर आप लोगों को मुझसे टैरो रीडिंग सीखनी है तो यस, कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप जो है जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें, क्योंकि उसके बाद सीधा एक साल बाद ये कोर्स लॉन्च होगा, फिर उसके बाद मत कहना दीदी अब कब दूसरी बैच आएगी, दीदी की बैच तुरंत तुरंत नहीं आती है, हर साल के एंड में दीदी कोर्स लॉन्च करती है और उसके बाद बैचेस बंद कर देती है, मतलब पूरा साल बंद रहता है, सिर्फ साल के एंड में हम जो है इसे वापस लाते हैं, तो ये वापस से एक फाइनल बैच होगा, जल्दी से बुक कर लो, बाद में नहीं देरी ना हो जाए। EMI ऑप्शंस नहीं है, आप चाहे तो बैंक या क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं या बैंक से पेमेंट कर सकते हो तो बैंक को बोल सकते हैं, वो आपकी EMI में पेमेंट कन्वर्ट कराएंगे, हमारे पास EMI ऑप्शन नहीं है। और यस, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दी जाती है, जो भी है सत्य है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप सारी क्लास अटेंड करें, अपने सारे टेस्ट जो है सही से दें, आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। यस, टेस्ट भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, हम हैवी लेवल के टेस्ट लेंगे, आपको अच्छा खासा परेशान करेंगे, तब जाके आप बनेंगे बेहतरीन टैरो रीडर दीदी जैसे, ठीक है। तो अगर अच्छा टैरो रीडर बनना है, बेस्ट टैरो रीडर बनना है, तो दीदी को अप्रोच करने के लिए और दीदी से रीडिंग सीखने के लिए आप जो है सेम नंबर पे मैसेज करें, और टैरो रीडिंग के कोर्सेज के बारे में आप टीम से डिटेल्स ले सकते हैं, या आप जो है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, स्टोरी पे मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी मैंने पोस्ट किया था, उस पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सअप करेंगे तो भी आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।